हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड में मैथमेटिक में लेसन नंबर 7। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7, टाइम गोज ऑन। उल्टा पुल्टा टाइम, दिस इज अ स्टोरी विथ टुडे ट्रू क्राइम। एज द सन सेट्स, तो आएगा यहाँ पर राइजी सुमना वेक्स अप। What a lovely morning sea roses are fast in 2 minutes। पिंक वाले जो लेटर है ना वो सभी गलत है, पिंक वाले वर्ड उसकी जगह पर हमें सही वर्ड लिखने हैं। एंड रन्स आउट, सी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड नेस्ट। सी हैज बीन वॉचिंग द एग फॉर द लास्ट फ्यू डेज। सी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड टू कम आउट, but before the can blink her eyes, in a moment a cat jump on the tree. The mother bird cries loudly and Sumanna rushes to show away to the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango. In 2 seconds, it is on the ground. Oh, how sad! The mango is still not fully ripe. It needed to 1 more week. Mango को पकने में 1 week लगता है to become sweet. Suddenly Sumana sister calls out, "Are you still not hungry? तुम्हें भूख नहीं लगी है? Has your stomach clock gone to sleep? Come and eat oat upma breakfast." How long does it take? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ ऐसे ऐसे थिंग के नाम बताने हैं। पहले तो एक स्टोरी है, जैसे स्टोरी जैसा है कि आपने कभी घड़ा बनाते हुए मैंने को देखा है। अगर नहीं देखा है तो आपके आजू बाजू में अगर ऐसा कोई रहता है तो आप देखने जाना। फिर मिनट में कौन कौन से काम होते हैं, बाथ, बॉयल मिल्क, वॉश क्लॉथ, गो टू द मार्केट, फिल बास्केट ऑफ वॉटर, बॉयल एन एग। फिर ओवर में कौन कौन से काम होते हैं, स्टिच अ शर्ट, टू शेड कॉर्ड, अ स्कूल डे, टू गो एंड कम बैक फ्रॉम ट्यूशन, टू कुक डिनर, टू वॉच अ मूवी। फिर डेज में कौन कौन से वर्क होते हैं, नाइट अ स्वेटर, टू वेव अ साड़ी, फॉर अ बनाना टू बिकम रिप, फॉर अ लेटर गो टू डिलीवर्ड। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फेटेस्ट एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट। सेकंड में कौन कौन से वर्क होते हैं, ब्लैंक माई आई, स्नैप माई फिंगर, ग्लोप माई मेडिसिन, फॉर फ्रूट टू ओल फ्रॉम अ ट्री, टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वॉटर, टू से थैंक यू टू समवन। टेक मंथ्स, मंथ्स कौन सा काम करने के लिए हमें मंथ्स तक का टाइम लगता है, टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, फॉर अ चिक टू बिकम अ फुल्ली ग्रोन हैन, फॉर अ मैंगो टू develop into a full grown fruit. Clap clap, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके पास स्टोन या फिर ऐसा कुछ हो ना तो उसे पहले थ्रो करना है, फिर क्लैप करनी है, फिर उसे कैच करना है, फिर आपको देखना है कि आप कितनी क्लैप करके कर सकते हो। How old are we? My age, my mother age today, my mother's mother age today, my mother age I have born age, my mother's mother age when I was born, my mother's mother's age when my mother was born. Irfan's mother is twice as old as him. She is also 20 years old than him. Guess the age of Irfan's his mother. तो इरफान की मदर की एज 14 years होगी। बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है।
उसका नाम है बालिसाना पंचायत नेम है सुधा रमेश चंद्र त्रिवेदी फीमेल 2522 यानी कि 2 मई 2002 बर्थ प्लेस है कृष्णा हॉस्पिटल रमेश चंद्र त्रिवेदी फिर उसकी मम्मा का नाम है भारती त्रिवेदी 2522 रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका 0815 1 सो द सुधा वॉज बोर्न इन 2 मई इन द 20 2002 हाउ ओल्ड विल सुधा बी ऑन 2 मई 2008 को वो 8 ईयर्स की होगी हाउ ओल्ड विल शी बी इन ईयर द 2052 में वो 50 ईयर्स की होगी ऑन वॉट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड राइट द नंबर्स 2 मई 2010 हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वो सुधा ऑन 2 अगस्त 3 मंथ्स हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड सुधा नाउ 19 ईयर्स आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इश्यूड 3 मंथ्स वॉट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट 815 फाइंड आउट आपको यहाँ पर आपका बर्थ कहाँ पर हुआ है वो सभी लिखना है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखकर फिर आपको ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर हमें 2018 का कैलेंडर दिया गया है उसमें से देखकर हमें ये वाला आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है हाउ मेनी मंथ्स डज द ईयर 12 मंथ्स लिस्ट मंथ्स विच हैव 13 डेज अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर हाउ मेनी डेज डज द मंथ्स ऑफ फेब्रुआरी हैव 28 हाउ मेनी डज मेक्स अ वीक 7 डेज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई 4 वीक्स इज इट ट्रू ऑफ ऑल द मंथ्स यस इन विच मंथ्स डिड यू कम टू क्लास 3 जून मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट इन द कैलेंडर आपको ये वाले जो डेट दी गई है उसमें आपको सर्कल करना है विच ईयर वॉज इट 2 ईयर्स बैक 2016 इन विच ईयर वेर यू इन क्लास 2 2017 विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर 2019 Which year will be come after 3 years 2021? Which festival comes first? कौन सा फेस्टिवल फर्स्ट में कम आता है तो यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग 2021 के हिसाब से लिखा है 7 नवंबर को वेनसडे संडे ट्यूसडे वेनसडे सैटरडे फ्राइडे वेनसडे ट्यूसडे एंड संडे सबसे पहले पोंगल आएगा फिर गुरु रविदास बर्थडे फिर बिहू फिर ओनम रक्षाबंधन गांधी जयंती दिवाली मिलाद नबी गुरु नानक बर्थडे क्रिसमस डे विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पोंगल विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्रिसमस डे कैलेंडर मैजिक विच इज द नंबर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर 13. Join the 3 number by drawing a line. The line must pass through the number at the center. तो इस तरह से हम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे हाउ मेनी सर्च लाइन्स कैन यू ड्रॉ 4 लाइन्स एट द 3 नंबर्स ईच ऑफ दिस लाइन्स वॉट डू यू नोटिस ये हमने सभी का एडिशन किया क्या नोटिस किया कि सभी का आंसर सेम आता है Now look at the calendar 2090. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does the magic work for this? Yes. More magic. अभी और magic करना है क्या करना है हमें I can Add 5 number in the box in a moment. Oh, that will take some time.
The total is 75. That's right. How will you do that? Simple, just multiply the middle number 5. Complete the calendar. हमें नीचे दिए गए calendar को complete करना है, तो यहाँ पर आपको सभी dates लिख लेनी है. Color all the Sunday in red. आपको सभी संडे में रेड कलर करना है. On which day does this month end? Friday. Write the number of days in this month, 31 days. What day is it on 13 August, Monday? What is the date on the second Saturday, 11th August 2018? Is the 21st a Sunday? No. What is the day of 29th? What 5 September 28, Wednesday. How many Thursday are these in the month? 5. Find out which month the calendar 2018 have a 5 Sunday, April, July, September, December. Is there any other day in any month which come 5 white times? All days. Can 3, 6 Sundays in a month? Why? No. The story of Ped Ki Devi. My name is Ped Ki Devi. I live in a village in Deoban district, Jharkhand. मेरा नाम Ped Ki Devi है और मैं झारखंड में रहती हूँ. I never got a challenge to go to school. मैं कभी स्कूल नहीं गई. I remember that I when was 5 years old, I broke my foot. मुझे याद है जब भी मैं 5 years की थी तभी मैंने अपना पैर टूट गया था. I had climbed a tree to eat a jamun fruit, but the branch broke, I fell down, my foot is hurt in winter. यानी कि मैं जब छोटी थी तब मैं जामुन खाने के लिए जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ी थी, तो जामुन के पेड़ की जो टहनी थी वो टूट गई और मैं नीचे गिर गई. While grazing, our goats often go too busy in playing. मैं खेलने के लिए गई थी तो मैं खेलने में बिजी थी तो मेरी गोट चली गई थी. Once at the age of 10 years, I got big scold. I had lost one goat. मैं जब भी 10 years की थी तभी मैंने अपनी goat खो दी थी. 15 years, I was married. जब भी मैं 15 years की हुई तभी मेरे marriage हो गई. My husband was much older than me. मेरे husband मुझसे कहीं बड़े थे. My first daughter was born 3 years after my marriage, यानि 18 years. Later, I had 3 more children. When I was 20, 22 and 24 years old. Time passed very fast. I was busy with my farm, housework and looking after my animals. But the age of 35 years, my word came to stop. Lekin main 35 years ki hui tabhi mera word stop ho gaya. My husband fell ill and dead. Mere husband bahut bimar hue aur wo dead ho gaye. His brother tried to take away our farm. फिर मेरे हस्बैंड के ब्रदर है वो हमारे फार्म पर कब्जा करना चाहते थे. We fought a case against those who beat me up. At the age of 14 years, I saw police station for the first time. जब भी मैं 14 years की हुई तभी मैंने पुलिस स्टेशन को first time देखा. When I was 45, I learned to read and write. मैं 45 years की हुई तभी मैंने लिखना और पढ़ना सीखा. 2 years later, I got my elder daughter married. 2 years के बाद मेरी सबसे बड़ी daughter के मैरिज हुई. I am 15 years old. I enjoy playing with my grandchild. 2 of my children are staying in school. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये दिया गया ब्रोकन हर फुट. उसका फुट कब ब्रोकन हुआ था, 5 इयर्स की थी तब. फिर लॉस्ट उसने वन अपनी गोट कब लॉस्ट की, 10 इयर्स की थी तब. गोट मेरी उसके मैरिज कब हुई है, 15 इयर्स की थी तब. हेड और फोर्थ चाइल्ड, उसका फोर्थ नंबर का चाइल्ड कब हुआ, 24 इयर्स में. फर्स्ट शो पुलिस स्टेशन, उसने पुलिस स्टेशन फर्स्ट बार कब देखा, 14 इयर्स की थी तब. लर्न्ड टू रीड एंड राइट, वो किसने कब सीखा, उसने 45 इयर्स की थी तब. एल्डेस्ट डॉटर गोट मैरिड, कब उसकी एल्डेस्ट डॉटर के मैरिड हुई, 47 इयर्स.
मेक वन थर्ड टाइम लाइन वेन शी वॉज बोर्न। आपको भी इसी तरह से आपकी एक टाइम लाइन बनी है जब का आपका बोर्न हुआ, उसको यहाँ पर नंबर देने हैं। आप यहाँ पर आपकी 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 मम्मा पापा किसी भी की भी टाइम लाइन बना सकते हो। वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, हमें यहाँ पर कुसुम का लाइफ का एक डे देखना है। कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। शी ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल एट 6:30 द मॉर्निंग। तो ओवर एंड बीच में और मिनट एंड सिक्स पर। शी क्लीन्स हर हाउस, वो अपना हाउस साफ करी कब 7:30 इन द मॉर्निंग। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल कब जाती है 8 o'clock। तो ओवर एंड 8 पर और मिनट एंड 12 पर। सी इज स्टडी इन स्कूल, वो स्कूल में स्टडी करती है कब करती है 8:10 o'clock इन द मॉर्निंग। सी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस कब आती है 1 o'clock। तो ओवर एंड 1 और 1 पर और मिनट एंड 12 पर। सी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, वो लंच कब लेती है 8:02 o'clock इन द आफ्टरनून। सी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कब खेलती है 5:30। तो ओवर एंड 5 और 6 के बीच में और मिनट एंड 6 पर। सी लिस्टन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर अ स्लीप, वो ग्रैंड मदर से स्टोरी सुनती है सोने से पहले कब 9 o'clock। तो ओवर एंड 9 पर और मिनट एंड 12 पर। ना प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर वन डेली रूटीन, फिर अभी आपको क्या करना है, आपको आपका डेली रूटीन यहाँ पर चार्ट में से देखकर लिखना है। आपको यहाँ पर टाइम वर्ड में लिखना है, फिर यहाँ पर क्लॉक में ड्रॉ करना है और यहाँ पर उस टाइम पर आप क्या करते हैं वो लिखना है। तो हमारा लेसन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।